तो दोस्तों अभी हमारे सामने है MG की ग्लॉस्टर, और इसमें एक यूनिक सा फीचर आता है ऑटो पार्किंग का। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपने सीट बेल्ट को लगा लेना है। ये यहाँ पर मैं सीट बेल्ट लगा ले रहा हूँ। सीट बेल्ट लगाने के बाद आपने यहाँ पर आपको एक बटन देखने को मिलता है ऑटो पार्किंग का, इसको आपको प्रेस करना है ड्राइव मोड पे डाल के, और कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको क्लस्टर पे देखने को मिलेगा। और उसके बाद आपने इंडिकेशन देना है जहाँ पार्किंग करनी है। मुझे सामने पार्किंग करनी है, वहाँ पर जो आपको स्लॉट दिख रहा है बिल्कुल फिक्स जगह है, वहाँ पर मैं पार्किंग करके दिखाऊंगा आपको MG ग्लॉस्टर। और यहाँ पर मैंने इंडिकेटर दे दिया, ड्राइव मोड पे मैं चल रहा हूँ। अभी अपना पार्किंग प्लेस अपने आप सर्च करेगी और मुझे इंडिकेटर दे के रखना है। अब इसको पार्किंग स्लॉट मिल गया, तो यहाँ पर आपको येलो कलर का दिखेगा और ये रिवर्स गियर के लिए बोल रहा है। यहाँ पर मैंने रिवर्स गियर डाला और ये ऑटोमेटिक इसका स्टीयरिंग ऑपरेट होगा। यहाँ पर मुझे खाली एक्सीलरेशन करना है और ब्रेक लेना है, और ये ऑटोमेटिक पार्क करेगी गाड़ी को। आगे भी आप देख सकते हैं बिल्कुल फिक्स जगह पे ये पार्क करती है और कोलिजन भी नहीं होता, बिल्कुल अच्छे से पार्क करती है। अब देखिए जैसे जैसे यहाँ पर इंडिकेशन मिल रहा है मुझे, अब यहाँ पर देखिए ड्राइव मोड का ऑप्शन आ गया, तो ड्राइव मोड मैंने डाला। आप स्टीयरिंग को दिखाइए कैसे घूम रहा है स्टीयरिंग अपने आप। अब यहाँ पर रिवर्स का ऑप्शन आ गया, यहाँ पर मैंने रिवर्स डाला गाड़ी में। अब देखिए किस तरीके से गाड़ी पार्क होती है। यहाँ पर जो बार बन के आ रहा है, आप देखिए पार्किंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है, ऑटो पार्किंग सक्सेसफुली हो चुकी है। और गाड़ी अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से पार्क हुई है। यहाँ पर मैं गाड़ी को पार्किंग पे लगा देता हूँ और बाहर जाके मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से गाड़ी पार्क हुई है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वो गाड़ी लगी हुई है और वो गाड़ी लगी हुई है, उसके बीच में प्रॉपर तरीके से गाड़ी को पार्क कर दिया मैंने और बिल्कुल फिक्स एक्यूरेट पार्क किए। यहाँ पर आपको उतरने के लिए ड्राइवर साइड से भी जगह मिल जाती है, और वहीं अगर मैं को ड्राइवर साइड की बात करूँ तो को ड्राइवर साइड में भी आपको अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है। और मतलब ये फीचर बहुत ही यूनिक फीचर है, बस आपको इसको यूज़ करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सीट बेल्ट को लगा कर रखना है, सीट बेल्ट लगाने के बाद आपने ये फंक्शन ऑन करना है और जिस साइड आपने पार्क करनी है उस साइड का आपको इंडिकेशन देना है। और बहुत ही अच्छे तरीके से ये पार्किंग होती है MG की ग्लॉस्टर, जैसे कि मैंने यहाँ पर करके दिखा दी है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।